दोस्तों साउथ फिल्मों का दबदबा बॉलीवुड इंडस्ट्री में सिर चढ़कर बोल रहा है। एक के बाद एक साउथ की फिल्में रिलीज हो रही है और बड़े बड़े रिकॉर्ड्स बना रही है। भारत ही नहीं बल्कि दुनिया भर में इन्हें पसंद किया जा रहा है। पुष्पा और ट्रिपल आर के बाद अब नंबर है फिल्म KGF चैप्टर 2 का। इस मूवी का ट्रेलर जब से रिलीज हुआ है फैंस की उत्सुकता का ठिकाना ही नहीं है। इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि फिल्म ने रिलीज होने से पहले ही एडवांस बुकिंग के मामले में SSR राजमौली की और ट्रिपल आर को पीछे छोड़ दिया है। मौजूदा समय में ट्रिपल आर मूवी ने दुनिया भर में अपनी धूम मचा रखी है। फिल्म हाल ही में वर्ल्ड वाइड कलेक्शन 1000 करोड़ रुपए के पार चला गया। ऐसा करने वाली ये देश भर की तीसरी मूवी बन गई है। अभी फिल्म सफलता का स्वाद चख ही रही है कि इसके भारी भरकम रिकॉर्ड को तोड़ने के लिए एक और मूवी दस्तक देने आ रही है। साथ मूवी KGF चैप्टर 2 ने रिलीज से पहले ही बड़े धमाके के संकेत दे दिए हैं। फिल्म ने रिलीज से पहले ही करीब 25 करोड़ रुपए की एडवांस बुकिंग कर ली है जो ट्रिपल आर से कहीं ज्यादा है। रिपोर्ट्स की माने तो फिल्म ट्रिपल आर ने रिलीज से पहले एडवांस बुकिंग के जरिए केवल 5 करोड़ रुपए ही कमाए थे। इस लिहाज से देखा जाए तो KGF चैप्टर 2 की एडवांस बुकिंग ट्रिपल आर से 5 गुना ज्यादा है। इस लिहाज से अब तक फिल्म ने देश भर में एडवांस बुकिंग के जरिए एक दिन में 25.20 करोड़ कमा लिए हैं। ये मूवी 14 अप्रैल को यानी कि कल सिनेमा घरों में रिलीज होने जा रही है। फिल्म के पहले पार्ट ने भी जबरदस्त कलेक्शन किया है और लोगों को ये एक्शन मूवी बहुत पसंद भी आई थी। यश की फिल्म के दूसरे पार्ट में बॉलीवुड सुपरस्टार संजय दत्त भी अहम रोल में हैं। वे फिल्म में अधीरा के रोल में होंगे और फिल्म में उनके किरदार को लेकर भी फैंस की एक्साइटमेंट अलग लेवल पर है। इस मूवी में रवीना टंडन भी अहम रोल में नजर आएंगी। तो दोस्तों अगर आपको भी KGF चैप्टर 2 के रिलीज होने का बेसब्री से इंतजार है तो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं। और दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि आने वाली और भी इसी तरह की इंटरेस्टिंग वीडियोज़ आपको देखने को मिलती रहे सबसे पहले। धन्यवाद।